अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अहमद इंटीरियर डिज़ाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में आपके साथ 10 मल्ला में बना हुआ घर शेयर करूंगा, जिसकी लोकेशन सेक्टर सी बहरिया लाहौर है। 35x65 इसकी डायमेंशन है। टोटल 5 बेडरूम के साथ इस घर को बनाया गया है। आगे जाके इसी वीडियो में इसका फ्रंट एलिवेशन और इसकी डिमांड भी शेयर करूंगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मेन एंड से मेंटर हुए, मेन एंड से में आपने स्टेयर लॉबी देखी। स्टेयर लॉबी के बिल्कुल सामने इसका ड्राइंग रूम दिया गया, जिसका व्यू आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट डिज़ाइन में यहाँ पे आप देख सकते हैं सीलिंग डिज़ाइन और शैंडलियर इंस्टॉल किया गया। और सामने फायर प्लेस एरिया लेफ्ट राइट पे आप इसका देख सकते हैं। ड्राइंग और लिविंग के दरमियान में यहाँ पे स्लाइडिंग डोर दिए गए हैं। इन्हीं डोर से हम चलते हैं इसके लिविंग की जानिब। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट पे वॉल पेपर इंस्टॉल किया गया, सामने एलईडी पॉइंट, और इस तरफ दूसरे एंगल से भी इस लिविंग को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वाइट है, वाइट बॉर्डर में इसकी फ्लोरिंग है। और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन की बात की जाए तो टोटली वाइट थीम इसका सीलिंग डिज़ाइन है, जिसमें शैंडलियर और सीलिंग फैन आपको इंस्टॉल मिलेंगे। इसी तरह बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे इसका किचन दिया गया है। किचन कैबिनेट डिज़ाइन आप देख सकते हैं। किचन की स्लैब को यहाँ पे ब्लैक रखा गया है। माइक्रो ओवन और फ्रिज के लिए यहाँ पे जो है जगह दी गई, और माइक्रो ओवन इसमें इंस्टॉल किया गया है। सामने विंडो और डोर साइड ओपन स्पेस में ओपन होते हैं। इसके फ्लोरिंग और सीलिंग डिज़ाइन इस किचन का आपके सामने है। ये था इस किचन का रिव्यू, जिसमें किचन कैबिनेट डिज़ाइन आपने देखा। आप चलते हैं इनके बेडरूम्स की तरफ। ग्राउंड फ्लोर में बैक साइड पे 2 बेडरूम्स दिए गए हैं, तो वन बाय वन दोनों बेडरूम्स को देखते हैं। यहाँ पे हम आगे इसके फर्स्ट बेड में राइट साइड पे वार्डरोब दीवार के अंदर फिक्स की गई है। और इसी तरह फुल व्यू, ये सामने निश में पोशिश का वर्क, फ्लोरिंग और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन, जिसमें वार्डरोब एरिया सामने आप देख सकते हैं। चलते हैं इसके अटैच वाशरूम की तरफ। वैनिटी को टोटल वाइट जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसकी जो स्लैब है वैनिटी की, उसको ब्लैक में रखा गया है। और इसे इसकी बैक साइड पे जो मिरर है, उसकी बैक साइड पे जो टाइल है, वो भी आप इसका देख सकते हैं। सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, टोटली वाइट थीम में इसका सीलिंग डिज़ाइन है। वॉल पर जो है वो टोटली टाइल का इस्तेमाल, और इसी तरह कंसील कमोड इसमें इंस्टॉल किया गया है। इस बेडरूम के साथ इसका दूसरा जो है वो बेडरूम दिया गया। ये आगे जी हम इसके सेकंड वन बेडरूम में, लेफ्ट साइड पे जो है वार्डरोब एरिया, विंडो बैक ओपन स्पेस में, और राइट साइड पे टोटली जो है इसका वॉलपेपर इंस्टॉल किया गया। वॉल पे फ्लोरिंग और सीलिंग डिज़ाइन को टोटली वाइट थीम में यहाँ पे भी इंस्टॉल किया गया, और सीलिंग फैन आपको यहाँ पे भी इंस्टॉल मिलेंगे। वार्डरोब एरिया, और ये है जी इसका अटैच वाशरूम, जिसमें शॉवर कैबिन को बिल्कुल सेपरेटली डिज़ाइन किया गया। इसमें भी जो वैनिटी की स्लैब है, उसको ब्लैक कलर में, और वैनिटी जो है वो गोल्ड कलर में डिज़ाइन किया गया। वॉल पे जो टाइल का इस्तेमाल है, टोटली मैट जो है वो टाइल लगाई गई है। इसी तरह कंसील्ड कमोड इसमें डोर की बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है। और सीलिंग डिज़ाइन की बात की जाए, तो यहाँ पे भी जो सीलिंग डिज़ाइन है, उसको टोटली वाइट थीम में डिज़ाइन किया गया है। शावर जो है वो रूफ़ में, और इसी तरह शावर कैबिन बिल्कुल सेपरेटली आप सामने देख सकते हैं। ये था जी इस ग्राउंड फ्लोर का विजिट, जिसमें 2 बेडरूम, लिविंग, किचन और कार पोर्च मैंने आपके साथ वीडियो के एंड एंड पे शेयर करूँगा इसका। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, स्टेयर लॉबी से ही। स्टेयर लॉबी का व्यू आपने ऑलरेडी देखा। आप दोबारा इस स्टेयर का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। स्टेयर स्टेप आपके सामने है, इसी तरह रेलिंग, और ये स्टेयर डिज़ाइन इसका। ये आगे जी हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे आप स्टेयर लॉबी एरिया देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे जो विंडो थी, वो ओपन टेरेस की विंडो है। इसी तरह जो मेन एंट्रेंस फर्स्ट फ्लोर की, ये सामने है, इसी से हम एंटर होते हैं। राइट साइड पे ओपन किचन है, लेफ्ट साइड पे इसका बहुत ही खूबसूरत लिविंग है। 2 बेडरूम बैक साइड पे हैं और एक बेडरूम फ्रंट पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फायरप्लेस, एलईडी पॉइंट, और ये फुल व्यू इस लिविंग का, फ्लोरिंग और सीलिंग डिज़ाइन इस लिविंग का, जिसमें आप देख सकते हैं शैंडलियर भी इंस्टॉल है और सीलिंग फैन भी इंस्टॉल है। यहाँ पर जो किचन दिया गया, इसको ओपन रखा गया लिविंग के बिल्कुल सामने, तो किचन कैबिनेट जो है वो बिल्कुल सेम थीम में रखी है जैसे ग्राउंड फ्लोर में थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों किचन कैबिनेट्स दरमियान में जो है वो टाइल का इस्तेमाल है। फ्लोरिंग की बात की जाए, तो वाइट जो है वो फ्लोरिंग है, और सीलिंग डिज़ाइन भी वाइट थीम में डिज़ाइन किया गया है। किचन का जो हुड है वो यहाँ पे भी दिया गया,
और इसी तरह जो फ्रिज के लिए भी प्रॉपर यहाँ पे जगह दी गई है। चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। राइट साइड पे इसका वार्डरोब एरिया है, विंडो बैक ओपन स्पेस में, और लेफ्ट साइड पे इसकी फीचर वॉल है। फ्लोरिंग, वार्डरोब एरिया और सीलिंग डिज़ाइन, इसमें टोटल व्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो है इसका अटैच वॉशरूम सामने आप देख सकते हैं। वैनिटी डिज़ाइन इसका, वैनिटी की बैक साइड पे इसका शॉवर है, शॉवर एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका शॉवर एरिया। इसी तरह वाइट थीम इसका सीलिंग डिज़ाइन और कंसील्ड कमोड यहाँ पे बनाया गया है। ये था जी इसके बेडरूम का रिव्यू। अब चलते हैं इनके दूसरे बेडरूम्स की तरफ। ये आ गए जी हम इसके दूसरे बेडरूम में। ये फुल व्यू इस बेड का, जिसमें वार्डरोब भी आप सामने देख सकते हैं। फ्लोरिंग, वार्डरोब और सीलिंग डिज़ाइन का व्यू आपको इसमें मिल जाएगा। ये है जी इसका अटैच वॉशरूम, जिसमें वैनिटी डिज़ाइन आप दे सकते हैं, वॉल पे टाइल का इस्तेमाल दे सकते हैं। सीलिंग डिज़ाइन इसका, और कंसील कमोड यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे दो बेडरूम जो बैक साइड पे है उनका विजिट हमने कर लिया। फर्स्ट फ्लोर पे एक बेडरूम बिल्कुल फ्रंट पे दिया गया है, उसकी तरफ चलते हैं। ये आ गई जी हम इसके फ्रंट वाले बेडरूम में। ये फुल व्यू इस बेड का, बहुत ही खूबसूरत सामने फीचर वॉल आप देख सकते हैं इसकी। वार्डरोब बेडरूम के अंदर ही दी गई है। फ्लोरिंग और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन इस बेडरूम का। यहाँ पे इसका अटैच वॉशरूम आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामने इसका वैनिटी एरिया। वॉल पे जो है वो टाइल का इस्तेमाल, सीलिंग डिज़ाइन इसका, और इसी तरह कंसील्ड कमोड यहाँ पे भी। चलते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन की तरफ। यहाँ पे जो इस घर का फ्रंट एलिवेशन बनाया गया, बिल्कुल जो है वो लेटेस्ट एंड मॉडर्न डिज़ाइन में इसके थीम को डिज़ाइन किया गया। फ्रंट एलिवेशन मॉडर्न डिज़ाइन में डिज़ाइन किया गया। टोटल 5 बेडरूम का ये घर है। सेक्टर सी, बहरिया टाउन, लाहौर इसकी लोकेशन है। और घर के फ्रंट पर बहुत ही खूबसूरत ग्रीन बेल्ट एरिया है। कार पोर्च की बात की जाए तो यहाँ पर 2 से 3 गाड़ियाँ कार पोर्च में आराम से पार्क हो सकती हैं। कार रैंप और कार पोर्च में जो है वो सेम टाइल का इस्तेमाल किया गया। साइड स्पेस इसकी 5 फीट की है, बैक स्पेस इसकी 5 फीट की है। जो है निश में आप कुरानी आयत लिखी दे सकते हैं। फ्रंट लॉन इसका 10 फीट 9 इंच है। 5 करोड़ इस घर की डिमांड है। अगर आप इस घर का विजिट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आप वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे हैं।